हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बाजार जैसा सॉफ्ट ढोकला। इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है, ये बारीक वाला बेसन लेना है हमने। इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला नमक और थोड़ा सा हमने हींग डाला है और 2 टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। उसके बाद हमने कलर फूड डाला चुटकी भर और 1 कप पानी डालकर मिक्सी में डालकर और पेस्ट बना लिया है। फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच तेल डालकर अच्छे से फेंट लेंगे मिक्सर के साथ या फोक के साथ भी आप इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंट देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सर के साथ हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू, ये डबल हो जाएगा बैटर। उसके बाद हम इसको अपने बर्तन में आप कुछ भी जो बर्तन हो उसमें लेकर नीचे ग्रीस करके बैटर को डाल दें। और साइड में ये मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी लेके पहले ही हीट करके रखा था और मैंने इसमें 15 मिनट के लिए इसमें स्टीम दे दिया। अब ये देखो कितना सुंदर जालीदार ढोकला बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल आप इसके टेस्ट के लिए टूथपिक डालेंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, अगर चिपका है तो कच्चा रह गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें साइड में हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने एक पैन ली है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल लिया है और सरसों या मस्टर्ड ड्राई जो बोलते हैं हम उसे डाल देंगे। सरसों के दाने भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो उसे ले सकते हैं। फिर हमने 5-6 कड़ी पत्ता डाले और ये 2-3 मिर्च हमने बीच से चॉप करके डाल दी। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल देंगे और ये थोड़ा सा हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू का रस और 2 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाल दी है। आप अपने अकॉर्डिंग खट्टा मीठा जैसा भी चाहे आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें हमने ये उल्टा करके निकाल लिया था और हम इसके अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे आप पीस बनाना चाहें चाकू की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ये जो हमने इसका पानी तैयार किया था उसको डाल देंगे। अपने अकॉर्डिंग डालिए, आप ज़्यादा पानी लेना चाहें तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, कम पानी वाला चाहें तो कम वाला डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा स्पंजी बना है, देखो जाली कितनी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये।